एगाथा ऑल अलोंग का तीसरा एपिसोड लॉन्च हो चुका है हॉटस्टार पे, और हर वीक ये एक एपिसोड लॉन्च होगा। टोटल 9 एपिसोड कहा जा रहा है कि आने वाला है। तो अब तक जो भी दिखाया गया है, मैं इतना कहूँगा कि मुझे बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं किया है इस सीज़न ने, इस जो भी ये सीरीज़ बना रहे हैं एगाथा ऑल अलोंग। तो अभी तक कोई डिसअपॉइंटमेंट, मुझे कुछ उम्मीद भी नहीं थी, मुझे पता भी नहीं था कोई ऐसा शो आने वाला है एगाथा। जो मैंने देखा था वांडा विजन में, वो मुझे लगा मर चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। बट इसके नाम का एक सीरीज़ बनाया गया और बहुत बखूबी तरीके से इसे लिखा गया है। और सबसे कमाल की बात है, एगाथा का जो रोल निभाया है, वो एक्टिंग जो की है, जो कॉमेडी टाइमिंग है उनकी, वो बहुत कमाल की है। बहुत ही फ्रेश दिखती है, 50 साल से ज़्यादा की उम्र है उनकी, बट बहुत ही रिफ्रेशिंग दिखती है। तो पुराने 2 एपिसोड में हमने देखा कि ये जो 4 विचेस हैं, वो एक टीम बनाती है एक डगर पे, मतलब हिंदी टर्म में डगर कहा गया है, ऐसे विच रोड है, विच रोड पे इन्हें जाना है अपनी पुरानी शक्तियों को वापस पाने के लिए। और इनके साथ एक आम लेडी भी शामिल हो जाती हैं। उनका कोई रोल है या नहीं वो तो आगे पता चलेगा। इस सीज़न में, इस एपिसोड में बिल्कुल पता चल चुका है कि उनका सफ़र कहाँ तक जाएगा, बट वो भी उनके साथ है। और एक लड़का भी है जो टीनेज है, अंडर 18 है, और वो भी इनके साथ इस सफ़र पे जा चुका है। तो एगाथा इस सफ़र में बताती है कि हमें आजमाया जाएगा, हमारी सारी शक्तियों को, जो भी काबिलियत है उनके हिसाब से आजमाया जाएगा। तो उसके लिए उन्हें तैयार रहना पड़ेगा, सारी विचेस को। और पहला जो सफ़र है, पहला जो आजमाइश है, वो शुरू हो जाता है। एक घर मिलता है उन्हें, उस घर में ये लॉक हो जाती है। उसके बाद क्या क्या होता है वो तो आपको देख के ही समझना पड़ेगा, लेकिन क्वाइट इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया गया है ये वाला एपिसोड भी। और इसके बाद जो होगा वो और मज़ा आने वाला। नोटिस करने वाली बात ये मुझे इसमें लगी, इस एपिसोड में, कि एगाथा ज़रूर कुछ छिपा रही है, क्योंकि वो इस डगर पर पहले आ चुकी है, वो अपनी शक्तियों को पा चुकी थी पहले। हालांकि वांडा ने सारी शक्तियों को छीन लिया उससे वापस से, बट वो कुछ ना कुछ छिपा रही है सारी विचेस से, जो बहुत आगे जाके कुछ होने वाला है बहुत बुरा, ये आभास होता है इस एपिसोड में। और जो आम लेडी थी उसके साथ भी कुछ बुरा होता है लास्ट में, और ये आपको क्लाइमेक्स से पता चलेगा कि ये क्या हुआ भाई साहब। एगाथा एक डायलॉग बोलती है क्लाइमेक्स के एकदम लास्ट सीन पे, तो वो देख के आप हैरान हो जाओगे, मतलब कुछ जादुई चीज़ इस डगर पे, इस सफ़र पे चालू हो चुकी है। फिलहाल अभी तक सिर्फ 3 एपिसोड लॉन्च हुए हैं, बट इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि एगाथा ऑल अलोंग जो सीरीज़ निकाली है, वो मार्वल की जितनी भी सीरीज़ है उससे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। और आगे जाके ये एक सफ़र जो बना दिया जाता है, एक आपको एडवेंचर पे ले जाया जाता है, वो चीज़ देखने में बहुत इंटरेस्टिंग लगती है मुझे पर्सनली। बट ये जो सीरीज़ है वो मुझे, मतलब कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, बट बहुत अच्छी निकल के आ रही है। उम्मीद रहेगी कि आगे भी और अच्छी निकल के आए। तो अगला एपिसोड आएगा थर्सडे को, अगले वीक, तो इंतज़ार रहेगा आगे की एपिसोड्स का।